हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मैं इसमें खड़ा हूँ बड़ी मंडी फल मंडी में। आपको बता दूँ, ये बबलू जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जो माल आ रहा है वो एक हिसाब से कटा पिटा आ रहा है, और आपको बताओ कीड़ा रहित वाला माल है। जो सेब जो आजकल आप मंडियों में देख रहे होंगे, लोग ठेलों पे लगा रहे हैं 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, ये सारा माल खराब है। इसी को प्रयोग माल किया जाएगा नवदुर्गा में। आपको बता, ये योजना बहुत बड़ी है फल मंडी वालों की। ये योजना इसलिए क्योंकि नवदुर्गा कुछ 15 दिन के समय चालू होने वाले हैं, इसको मिक्स किया जाएगा। यही कटे पिटे जो ठेले वाले जो उठाए जाएंगे और उसमें मिक्स होकर मार्केट में थोक में, इसकी आवाज़ उठाई बबलू जी ने। क्या है पूरा बड़ी मंडी का फल का मामला? नमस्कार, मैं ये चाहता हूँ मंडी में ये गत्ते में सेब आता है, बोरे में आता है। हाँ। बोरे वाला सेब मैं भी बेच रहा था, हमको मना कर दिया गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर और लोग बोरे से जो लोग डिब्बे में कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या? हाँ, वो भी सड़ा हुआ माल है। अच्छा, उससे बीमारियाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, और आजकल कितनी मौतें हो रही हैं आप लोग देख रहे हैं। इस चक्कर में चाहता हूँ कि सारा सेब जो गंदगी आ रही है यहाँ पर सारा बंद होना चाहिए। अच्छा। कि हमारा नहीं, जो लोग यहाँ पर बेच रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक फल मंडी में, सारा माल गंदगी सब बंद होना चाहिए। कोई सड़ा माल मंडी में नहीं बिकना चाहिए। हमारे बस यही प्रश्न है कि ये गंदगी सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि इतनी मौतें हो रही हैं, गंदगी हो रही है, इंसान सड़ा गला खा रहा है, कोई मौत हो जाए कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसमें फल माफिया भी है कोई? इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं? माफिया सारे लोग हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं। और हम सब्जी बेचते हैं, इसलिए हमारे पास 2-4 दिन से गाड़ी आ रही थी, हमको मना कर दिया गया, हमने बंद कर दिया। और बाकी सब जितने फल वाले हैं सारे लोग बेच रहे हैं सड़ा गला माल। जो तो सेब आ रहा है उसमें बहुत गंदगी, बहुत ही जहरीला पदार्थ उसमें है वो, और खाने केमिकल वगैरह, केमिकल मिला हुआ है। केमिकल से हो सकता है कि अन्य भी मौतें हो सकती हैं, मगर इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इसलिए मैंने कहा ये बंद करा जाए। मैं फ्रूट अधिकारी को भी दिखाना चाहता हूं कि इस बड़ी मंडी में एक बार आप आएं, दस्तक दें, और यहां के लोगों को भी देखें, फल मंडी को भी देखें। और आप बब्बू जी भी हैं, बब्बू जी भी इस ये बात सही है जी, नवरात्र आने वाले हैं, ये लोग जो है बोरे वाले जो सेब डिब्बे में पैक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और क्रेटों में पैक कर रहे हैं, और ये सड़े सेब हैं ये बेच रहे हैं ये लोग, और हम लोग बेच रहे बोरे में थे, इन्होंने बंद करा दिया, बंद करा दिया इन्होंने, बंद कर दिया। आने वाले नवदुर्गे हैं, तो हम लोग सोचा ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे हम लोगों के ऊपर कोई माता रानी या कोई भी आपत्ति हो, और भगवान की कृपा से हम लोगों पर सब है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे जो है हम लोगों को तकलीफ हो, दूसरों को भी तकलीफ हो। देखिए, यहाँ पे मैं फल मंडी में खड़ा हूँ, और आपको बता दूँ कि यहाँ फल मंडी जो है कि गोला की बड़ी मंडी लगती है फल के। आपको तो नवदुर्गा आने वाला है, इतना पूर्व देवी का महीना आता है, उसके दौरान कुछ फल वाले जो दिक्कतें दे रहे हैं फलों को लेकर, उनमें मिलावट की जा रही है। सेब हुआ, केला हुआ, सड़े गले को एक पुराने से स्टॉक से निकाल के एक नए स्टॉक को बनाया जा रहा है। यहीं पर भैया जी क्या कहना चाह रहे हैं आप फल में ऐसी क्या है दिक्कत जो आपको पता है? भैया, सड़ा गला बंद होना चाहिए, सड़ा गला अच्छा माल बिके, बस यही हम लोग है, और क्या है सड़ा गला। मैं फ्रूट अधिकारी को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस पे आके छापा मारें और इस कार को देखें। भाई नौबत्ते आने वाले, कोई भी दागी माल नहीं बेचेगा, सब्जियां भी बिक रही हैं, सब्जियां खड़ी खड़ी बिक रही हैं। हाँ हाँ, गाड़ी खड़ी भाई, फल कभी दोनों है ना भाई, सब बढ़िया एक नंबर से भाई, फल के पैसे दो चाची, इसे खा इंसान दवाई गिरे भाई, प्याज ना गलत मारती है, कदर उतरे जाती है ना ऊपर ही क्या ना मतलब सब्जी है वाले दोनों दिन हम ये बोरे तो थोड़ी ना है। क्या है प्रॉब्लम तुम लोगों की? तुम्हारा फ्रेश माल बताओ, जे नव दुर्गे में जे माल जो है धड़ल्ले बेचा जाएगा, मिला के वो भी धड़ल्ले में नव दुर्गा में बनाया जाएगा व्यवस्था, बढ़िया ठीक है। से तो कहां से बेचते हैं? बेचते हैं आपसे, एक नंबर से है, ये कभी से कोई नहीं है। अरे तुम्हारा कटपी ना, तो
भाई भड़वा के मंडी में